Take from take over here, and in this video I have Nokia 7.2, which is a great device from 2019 or 2020, I don't know is that release date, and which is powered by Android 1 and it's running Android 10 now. But trust me guys, this phone with Snapdragon 660 is the best phone I have ever used. Halaki Vivo V11 Pro bhi tha acha phone, बट उसके बाद तो मेरे को ये दिखा स्मूथनेस में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 के साथ जो जो फ़ोन आया अभी वो रिलैक कर रहे हैं, एक्सेप्ट MIA2 भी अच्छा है, बट उससे ज़्यादा अच्छा ये दिखा मेरे को, क्योंकि नोकिया हैज़ डन वेरी गुड जॉब इन द बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, और कैमराज ट्रस्ट मी गाइस इसके कैमराज बहुत सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम प्ले। तो आप लोग देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट डिस्प्ले है नोकिया 7.2 या 7.1 क्या है कि बराबर से नाम मिले मालूम मेरे को 7.2। और जो कैमरा से मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और जो बैक ग्लास है लाइक अपने आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स में कैसा ग्लास रहता है वैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम प्ले। मैं आप लोगों को पूरी ब्राइटनेस बढ़ा देके खेलता हूँ। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। टीम मैच लेट्स गो। अब प्रोसेसर उतना खास नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी मैनेज कर ले रहा गेम के वास्ते। सर ऑब्जेक्टिव वेट ही आ गया, इसके बाद से दम हो रहा था भाई। सो एज यू कैन सी ग्राफिक्स आर गुड, लेट मी शो यू द ग्राफिकल सेटिंग्स। इट कैन गो अप टू स्मूथ हाई HD एंड हाई, लेट्स प्ले इन द हाईएस्ट ग्राफिक। बट ग्राफिक्स उतने थोड़े चॉपी है, बट प्लेएबल है फ़ोन में गेम। स्नैपड्रैगन 660 इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिस पर्टिकुलर फोन, बिकॉज रेडमी नोट 7 का तो पूरा वजन में मिल गया, स्नैपड्रैगन 660, और रेडमी नोट 7 प्रो में स्नैपड्रैगन 675 है, फिर भी इसके मेरे हिसाब से ये वाला बहुत बेहतर है। तो गाइस डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है, AMOLED नहीं है, IPS है, वेरी गुड IPS डिस्प्ले। हाई ग्राफिक्स में अच्छा खेल सकते हैं, प्लेएबल गेम, प्लेएबल फोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो पहली बार तो ये चेंज हुई, अब से रास्ते समझ नहीं आ रहे। Watch out. Just to miss this. आ रहा, आ जा। तो गाइस गेम प्ले में ज़्यादा बड़ा नहीं करते हूँ, छोटा रखते हूँ, स्मॉल रखते हूँ, स्मूथ रखते हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और अच्छा चल रहा, ट्रस्ट मी गाइस मेरे को बहुत अच्छा दिखा। हालांकि मैं जब से खेल रहा था गेम फिर भी इतना लैग नहीं कर रहा, और गेम प्ले और फ़ोन का टेम्परेचर भी गाइस आप लोग बताते हूँ मैं। आप लोगों को फ़ोन का टेम्परेचर भी बता दूँ मैं कितना है क्या नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर इसका फिलो हो 36 डिग्रीज फ्रॉम फ्रंट, लेट्स चेक द बैक, 36 डिग्रीज गाइस इतनी देर खेलने के बाद, ट्रस्ट मी ए गुड थिंग इट इज़।
बड़ा से बड़ा फ्लैगशिप डिवाइस नहीं दे सकता 36 डिग्री इसके दो 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 गेम खेले बाद गर्म तो होना लाजमी है। बट इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा दिखा मेरे को नोकिया, स्पेशली दिनों के बाद एक फ़ोन दिखा जिसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, वेल ऑप्टिमाइज फोन इन सिंपल वर्ड्स। अरे वाह चिड़िया भी चढ़ जा रहा है नहीं। गाइस वीडियो जितनी रखेंगे ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट, गो बिलो एंड सब्सक्राइब एंड वन लाइक फॉर दिस फोन, वेरी गुड फोन, कैमरा इज वेरी गुड। और गाइस फ्रंट कैमरा मेरे को नहीं मालूम, बहुत बेहतरीन है इसका। गाइस वीडियो इतनी रखेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।